अब हम लोग बात करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन और व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन एंड डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. तो और उसके बाद इसका वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, एंड इफ द इंजर्ड पर्सन सर्वाइव्स आफ्टर मेकिंग डाइंग ऑफ डिक्लेरेशन. अगर इंजर्ड पर्सन, अगर जो घायल व्यक्ति है वो डाइंग डिक्लेरेशन देने के बाद भी बच जाएगा तो उसका क्या वैल्यू है डाइंग डिक्लेरेशन का. तो इसका डेफिनेशन क्या है कि ये क्या कहता है कि इट इज़ ए रिटन, लिखा हुआ और ओरल स्टेटमेंट ऑफ ए पेशेंट हु इज डाइंग एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनलॉफुल एक्ट. किसी अनलॉफुल एक्ट की वजह से, के कारण से अगर कोई इंसान मर रहा है, तो रिलेटिंग टू द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ कॉज ऑफ हिज डेथ, उसके मटेरियल फैक्ट्स तथ्य के आधार पे कि उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसके मरने का कारण क्या है, बेरिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस के आधार पर क्या है. तो प्रोसीजर क्या क्या है इसका, तो स्टेप्स क्या क्या है. पहले, सबसे पहले डॉक्टर आएगा और सर्टिफाई करेगा उस पर्सन को कि ये पर्सन सही होशो हालात में है कि नहीं, इज ऑफ साउंड माइंड, होशो हवास में है ये पर्सन आदमी, कॉम्पस मेंटिस वो टर्म होता है, कॉम्पस मेंटिस, कि होशो हवास में है कि नहीं वो आदमी, साउंड माइंड का है कि नहीं, इस उसको कहते हैं. डॉक्टर कैन रिकॉर्ड इट इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस, डॉक्टर इसे दो विटनेस के सामने रिकॉर्ड कर सकता है, दो गवाह के सामने. तो कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाई द विलेज हेडमैन, ये विलेज हेडमैन सरपंच के द्वारा भी रिकॉर्ड होगा, पुलिस के द्वारा भी रिकॉर्ड हो सकता है, या अदर्स, या किसी और के द्वारा भी, पर वैल्यू इसका फिर घट जाएगा. ओथ नॉट रिक्वायर्ड, ओथ का ज़रूरत नहीं है, शपथ का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि मरता हुआ आदमी हमेशा सच बोलता है. तो और फिर नो अल्टरेशन, कोई मिलावट नहीं किया जाएगा. डाइंग मैन वर्ड्स टू बी रिटन, जो जो वो आदमी बोलेगा, मरता हुआ आदमी, वो वर्ड्स लिखी जाएगी सारी बातें. इफ़ ए क्वेश्चन इज आस्क, अगर कोई क्वेश्चन आस्क किया, पूछा जाएगा, तो उसे मेंशन किया जाएगा, एंड द आंसर, एक्चुअल आंसर, असली आंसर उसकी दी जाएगी. नो ओपिनियंस ओनली फैक्ट्स, कोई सलाह नहीं देना है, सिर्फ तथ्य पे बात करना है. आफ्टर कंप्लीटिंग रीड इट टू द डाइंग मैन, इसे कंप्लीट करने के बाद, ख़त्म होने के बाद, मरते हुए आदमी के सामने, डाइंग मैन के सामने पढ़ना है, उसका सिग्नेचर लेना है, या फिर थम इम्प्रेशन ले सकते हैं. डॉक्टर एंड विटनेस शुड ऑल्सो साइन, डॉक्टर और गवाह भी साइन करेगा, दोनों जो जिसको सामने रखा गया था वो. इफ डाइंग मैन कोलैप्सेस इन बिटवीन, अगर डाइंग मैन जो मर रहा है आदमी, वो बीच में ही डाइंग डिक्लेरेशन देते समय ही वो डेथ कर गया, मर गया, तो रिकॉर्ड एज मच इन्फॉर्मेशन, उतना ही इन्फॉर्मेशन जितना जब तक वो बोला उतना इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करो, और रिकॉर्ड एज मच इन्फॉर्मेशन एंड साइन इट, उसे फिर उसके बाद साइन, उसमें साइन कर दो. फिर डिक्लेरेंट मे राइट द स्टेट ऑन हिज ओन, डिक्लेरेंट जो है स्टेटमेंट अपना खुद लिखेगा, जो डिक्लेयर कर रहा है डिक्लेरेंट. अगर डिक्लेरेशन इज सेंट टू द कोर्ट इन सील्ड कवर, डिक्लेरेशन जो है कोर्ट में सील्ड कवर में भेजा जाएगा. इट इज़ प्रोड्यूस एज एविडेंस एज ट्रायल, ये एविडेंस के रूप में यूज होगा ट्रायल में. इफ द डिक्लेरेंट सर्वाइव्स, अगर डिक्लेरेंट जो जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया था, जो करवाया है डाइंग डिक्लेरेशन, अगर वो जिंदा बच जाता है, सर्वाइव कर जाता है, तो वो ओरल एविडेंस उसे देना होगा, मौखिक टाइप से कोर्ट में जाके उसे बोलना होगा. तो अगर ये बच जाता है तो वो रिटेन नहीं कर पाता है, तो वैल्यू इसका रिटेन नहीं हो पाता है. अब देखते हैं हम लोग व्हाट इज डाइंग डिपोजिशन. डाइंग डिपोजिशन क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डाइंग डिपोजिशन. डाइंग डिपोजिशन लेने का प्रोसीजर क्या है, तो डाइंग डिपोजिशन वो है कि स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन ऑन ओथ, इसमें हम लोग शपथ लेंगे, दिलवाएंगे उस पर्सन से, कि रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट उसे रिकॉर्ड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हिज एक्यूज्ड, जिसके खिलाफ है वो भी साथ, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जिसके अगेंस्ट डाइंग डिपोजिशन दिया जा रहा है, या फिर उसका लॉयर रहेगा. हु इज़ अलाउड टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, जिसे अलाउ होता है कि विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सके, विटनेस जो है गवाह, उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है. नॉट फॉलोड इन आवर कंट्री, इंडिया में ये नहीं है. और प्रोसीजर इसका क्या क्या है, रिकॉर्डेड बाई द मजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड और हिज लॉयर, मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में रिकॉर्ड होगा, या फिर द प्रेजेंस
इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड है उसके वो भी रह सकता है और लॉयर या फिर उसका वकील उसका. फर्स्ट डॉक्टर हैज़ टू सर्टिफाई दैट पर्सन इज़ कॉम्पस मेंटिस. कॉम्पस मेंटिस मैं पहले बता चुका, मतलब होशो हवास में है कि नहीं वो आदमी. डॉक्टर पहले चेक करेगा कॉम्पस मेंटिस है कि नहीं. ओथ इज़ एडमिनिस्टर्ड. ओथ फिर उसे उससे दिलवाया जाएगा, शपथ दिलवाया जाएगा. फिर क्रॉस एग्जामिनेशन बाय एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के द्वारा क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा या फिर उसका लॉयर, ये भी अलाउड है. रिटेन्स इज वैल्यू, इसका वैल्यू तब भी रिटेन कर जाएगा अगर इंसान बच जाता है, तब भी डाइंग डिपोजिशन का वैल्यू रहेगा. अब इसमें क्या क्या होता है डाइंग डिपोजिशन में, तो रिकॉर्ड कौन करता है डाइंग डिक्लेरेशन, वो मैजिस्ट्रेट करेगा या डॉक्टर करेगा. डाइंग डिपोजिशन सिर्फ मैजिस्ट्रेट ही करेगा. ओथ में डाइंग डिक्लेरेशन जो ऊपर वाला था उसमें ओथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मान के कि मरता हुआ आदमी हमेशा सच बोलता है. डाइंग डिपोजिशन में ज़रूरी है शपथ लेना, नेसेसरी. प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड और इज लॉयर, नॉट नेसेसरी. डाइंग डिक्लेरेशन जो ऊपर वाला है उसमें एक्यूज्ड जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है, जिस पे जिसके अगेंस्ट दिया जा रहा है डाइंग डिक्लेरेशन, उसका प्रेजेंट होना या उसका लॉयर का प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, डाइंग डिपोजिशन में ज़रूरी है. लीगल वैल्यू इफ विक्टिम सर्वाइव्स, अगर विक्टिम बच गया तो क्या इसका वैल्यू रहेगा, तो डाइंग डिपोजिशन का वैल्यू नहीं रहता, डाइंग डिक्लेरेशन का वैल्यू नहीं रहता और डाइंग डिपोजिशन का लेकिन रहता है. रिटेन्स, क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउड नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन में, डाइंग डिपोजिशन में अलाउड है. सुपीरियरिटी, तो डाइंग डिक्लेरेशन इन्फीरियर है, मतलब कम उसका वैल्यू है, और डाइंग डिपोजिशन जो है बाद वाला उसका वैल्यू ज़्यादा है.